हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। बच्चों, कल आपको मैंने 1.2 फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स यह लेसन का वीडियो भेजा था और आपको कहा था इस लेसन के वीडियो को अच्छी तरह से देख ले और सुन ले। चलो आज हम इस लेसन को समझेंगे। अब देखो यहाँ पर लेसन का नाम क्या है, फन एंड गेम्स विद तारा एंड फ्रेंड्स। अब लेसन में तारा और तारा के फ्रेंड्स बताए गए हैं, यानी लेसन का नाम तारा है। तो इस पिक्चर में तारा कौन है? तारा ये लड़की है, ये दिख रहा है ब्लू टी शर्ट पहनकर। तो ये जो लड़की है, ये लड़की का नाम है तारा, ठीक है। अभी जो तारा है, ये तारा हम सबको कह रहे हैं कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, मैं कौन हूँ? तारा, आई एम तारा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम तारा। और अब ये हमें क्या कह रही है, यू वॉन्ट टू मीट माई फ्रेंड्स, यानी तुम मेरे फ्रेंड्स से मिलना चाहोगे? तो हम क्या कहेंगे, यस वाई नॉट, हाँ हम आपके फ्रेंड से मिलना चाहेंगे। तो चलो अब हम तारा और तारा के फ्रेंड से मिल लेते हैं कि तारा के कौन कौन से फ्रेंड्स हैं। अब ये पहला, ये दिख रहा है यहाँ पे कार्टविल के तरह जो गोल गोल राउंड कर रहा है, इसका नाम क्या है? कुक्कू। ये कौन है? कुक्कू। ये तो तारा है, तारा से आप मिल चुके हो। तारा हमें सब अपने फ्रेंड से मिलवा रही है, तारा ने पहले हमें मिलाया इससे कुक्कू से। उसके बाद ये जो दिख रहा है लड़का, जिसके हाथ येलो टी शर्ट है और हाथ में ब्लू कलर का बॉल है, तो ये लड़का जो है इसका नाम क्या है? बिट्टू। क्या नाम है इसका? बिट्टू। और बिट्टू के ऊपर में हमें यह एक पैरोट दिख रहा है, पैरोट का नाम है मिट्टू। पैरोट का नाम क्या है? मिट्टू। अब बिट्टू के बाजू में हमें यहाँ पर एक पर्पल टी शर्ट पहनकर और पैंट पहनकर एक लड़का दिख रहा है, इस लड़के का नाम क्या है? पैडी। क्या नाम है? पैडी। और पैडी के सामने हमें एक डॉग दिख रहा है, डॉग कैसा क्या करता है? भोभो। हाँ, तो डॉग का नाम क्या है? टोटो। डॉग का नाम क्या है? टोटो। ओके, और यहाँ पर नीचे में हमें ब्लैक कलर की कैट नज़र आ रही है। ये जो कैट है, इस कैट कैसे करती है? म्याऊ म्याऊ करती है ना, तो कैट का नाम क्या है? मिया। कैट का नाम क्या है? मिया। तो तारा और तारा के जो फ्रेंड्स है, इसमें से तारा का जो फ्रेंड्स है, इसका नाम है कुक्कू, ये मिट्टू, ये बिट्टू, ये पेडी, ये टोटो एंड ये मिया। ओके बच्चों, अभी हमने देखा कि जो तारा है, तारा के फ्रेंड्स से हम मिल चुके हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि तारा के फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं और तारा हमसे क्या कहती है। तो तारा हमें कह रही है कि माय फ्रेंड्स एंड आई वी आर इन द पार्क, लेट्स हैव अ फन। यानी तारा और तारा के जो फ्रेंड्स है, वह लोग पार्क में गए हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि तारा के फ्रेंड्स क्या क्या कह रहे हैं। ओके, तो जो ये है पहला, हम इसको देख चुके हैं, इसका नाम हमें पता है, इसका नाम क्या है? कुकू। हाँ, तो कुकू तारा को क्या कह रहा है? हाय तारा। जब कुकू तारा को हाय तारा कह रहा है, तो तारा क्या कहेंगे उससे? हेलो कहेंगे ना, हेलो। तो अब कुकू क्या कह रहा है तारा से? हाय तारा, गुड टू सी यू अगेन। हाय तारा, गुड टू सी यू अगेन। यानी हाय तारा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। अब तारा ने भी उसको हेलो कह दिया। अब नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो येलो टी शर्ट वाला दिख रहा है, जिसके हाथ में ब्लू कलर का बॉल है, वो क्या कह रहा है? लुक पैडी। पैडी से कह रहा है, देखो पैडी, लुक पैडी, कुक्कू टर्निंग कार्टविल अगेन। देखो पैडी, जो कुक्कू है, ये कुक्कू यह कार्टविल की तरह टर्निंग ले रहा है फिर से। कार्टविल यानी जो चक्का होता है ना, जो गोल गोल घूमता है, वैसे ही तुम भी ऐसे ही गोल गोल घूमते हो ना, हाथ पर भार रखकर पूरा गोल राउंड करते हो, तो वैसे ही जो कुक्कू है, तो जो ये इसका नाम क्या है? बिट्टू। बिट्टू पैडी को कह रहा है कि देखो पैडी, कुक्कू जो है वो कार्टविल की तरह दोबारा चक्कर लगा रहा है। अब बिट्टू के ऊपर में कौन है? पैरोट। पैरोट का नाम क्या है? मिट्टू। तो मिट्टू क्या कह रहा है? हाय आई एम मिट्टू। हाय, मैं कौन हूँ? मिट्टू हूँ। एंड दिस इज माई फ्रेंड बिट्टू। मैं मिट्टू हूँ और ये है मेरा फ्रेंड, इसका नाम क्या है? बिट्टू। अब बाजू में पैडी है, पैडी क्या कह रहा है? नो टोटो, गो बैक होम। टोटो कौन है यहाँ पर? ये जो नीचे डॉगी दिख रहा है, इसका नाम क्या है? टोटो। तो पैडी जो है वो टोटो से कह रहा है कि नहीं नहीं टोटो, तुम वापस अपने घर जाओ, तुम वापस घर जाओ। ओके, अब इसके नीचे में हमको ब्लैक कलर की कैट दिख रही है। अब एक कैट क्या कह रही है? हाय आई एम मिया। हाय, मैं कौन हूँ? मिया। आई डू एवरीथिंग बेटर देन कुकू। मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, मैं इस
कुकू की अपेक्षा भी, ये कार्टविल की तरह जो राउंड लगा रहा है वो मैं इसकी अपेक्षा भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो समझा यहाँ पर तारा और तारा के फ्रेंड्स क्या आपस में बातें कर रहे हैं। अब है क्वेश्चन फर्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन ट्राई टू आंसर देम इन इंग्लिश, यानी क्वेश्चन पर डिस्कस करो और इंग्लिश में आंसर देने की कोशिश करो। अब यहाँ पे पहला क्या बोल रहा है, मिठू आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्राइज टू टच मी, जब कोई मुझे छूने की कोशिश करता है, टच करने की कोशिश करता है तब मैं एंग्री यानी बहुत गुस्से में आ जाता हूँ। यहाँ पर ये डॉगी क्या कह रहा है कि आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले विथ पैडी, जब मैं पैडी के साथ में खेलता हूँ तब बहुत हैप्पी हो जाता हूँ। उसके बाद आई फील सैड व्हेन पैडी गोज़ टू स्कूल, जब पैडी स्कूल चला जाता है तब मैं बहुत दुखी होता हूँ। यानी यहाँ पे हमें हैप्पी सैड एंड एंग्री के सेंटेंस बताया है। अब आपको व्हेन डू यू फील, आप कब क्या क्या महसूस करते हो, हैप्पी सैड एंग्री स्केयर्ड, इसके आपको वन वन सेंटेंस अपने मन से बनाना है और मुझे रफ कॉपी में होमवर्क कॉपी में लिखकर भेजना है। जैसे आप हैप्पी के लिए बना सकते हो कि आई फील हैप्पी व्हेन इट आइसक्रीम या चॉकलेट। सैड के लिए बना सकते हो आप कि आई फील सैड व्हेन आई एम इल। उसके बाद एंग्री के लिए बना सकते हो कि आई फील एंग्री व्हेन समवन ट्रबल्स मी। और स्केयर्ड के लिए बना सकते हो कि आई फील स्केयर्ड व्हेन आई सी अ कॉकरोच, जब आप कॉकरोच की जगह कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे फोर सेंटेंस मुझे बनाकर दिखाना है। उसके बाद है आई वेक माई टेल व्हेन आई एम हैप्पी, यहाँ पर ये डॉगी क्या कह रहा है कि जब मेरी टेल को, जब मेरी पूंछ को कोई वेक करता है, कोई हिलाता है तब मुझे खुशी होती है। और फिर क्या कह रहा है कि आई फ्लॉप माई ईयर्स व्हेन आई एम सैड, जब मेरे कानों को कोई फड़फड़ाता है या फ्लॉप करता है तब मुझे बहुत दुखी खींचता है, तब मुझे बहुत दुख होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर म्याओ क्या कह रही है कि आई एम नेवर स्केयर्ड, मैं कभी डरती नहीं हूँ। और ये मिठू क्या कह रहा है कि आई स्क्रैच व्हेन आई एम स्केयर्ड, यानी जब मैं कब डरता हूँ, जब कोई मुझे स्क्रैच करता है, ऐसे नोचता है ना, तब मैं डर जाता हूँ। यहाँ पे भी आपको व्हेन डू यू डू व्हेन यू फील, इसके फोर सेंटेंस बना के मुझे भेजना है कि सॉरी व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील, आप कब क्या करते हो, यानी जब आपको, आप जब खुश होते हो तब क्या करते हो। तो इस पर आप लिख सकते हो कि आई जंप फॉर जॉय व्हेन आई फील हैप्पी, जब मैं खुशी के मारे क्या करता हूँ, जब मैं खुश होता हूँ तब क्या करता हूँ, खुश होकर जंप करता हो, जोर जोर से उछलता हो। सैड दुखी होता हो तब मैं क्या करता हो, आई सिट अलोन व्हेन आई फील सैड, जब मैं अकेला बैठता हो तब मैं खुद को दुखी महसूस करता हो। एंग्री के लिए आप क्या लिख सकते हो कि आई स्क्रैच माय हेयर व्हेन आई फील एंग्री, कि जब कोई मेरे हेयर को, मेरे बालों को स्क्रैच करता है तब मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ। और स्केयर्ड के लिए आप लिख सकते हो कि व्हेन आई फील स्केयर्ड आई ट्रेम्बल विथ फियर, इस तरह से आपको फोर सेंटेंस बना के बताने हैं लिखकर। बच्चों अब यहाँ पे है आई स्क्रैच पीपल, मैं वो क्या कह रही है आई स्क्रैच पीपल। अब सी में क्या दिया है, इन ऑर्डर टू फील बेटर व्हाट शुड यू डू व्हेन यू आर, आप कब महसूस करोगे उसके लिए आप मतलब क्या आपको क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, ठीक है। सैड होते हो आप, दुखी होते हो, दुखी होते हो तब आपको क्या करना चाहिए, अपने दुख को दूर भगाने के लिए गाना गा सकते हो। जैसे यहाँ पे इसने कहा है जैसे यहाँ पे आई सिंग सॉन्ग, गाना गाती है ना, तो आप अपना दुख दूर कैसे भगा सकते हो। तो आप इसमें लिख सकते हो कि व्हेन आई एम सैड आई शुड थिंक हैप्पी थिंग्स, मैं अच्छी अच्छी बातें सोचकर भी अपना दुख दूर कर सकती हूँ। फिर एंग्री के लिए आप क्या लिख सकते हो कि व्हेन आई एम एंग्री आई शुड ट्राई टू कंट्रोल माय एंगर, मुझे अपने जो गुस्सा है गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए। उसके बाद में स्केयर्ड, स्केयर्ड के लिए आप क्या लिख सकते हो कि जैसे व्हेन आई एम स्केयर्ड आई शुड ट्राई टू शो ग्रेट करेज, यानी जब मैं घबरा जाती हूँ तो मुझे खुद को
करेज करना चाहिए, खुद को साहस बंधाना चाहिए। जैसे दुखी होते हैं तो हमको दुख दुख के लिए क्या कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे हमारा दुख दूर हो जाए। एंग्री होते हो तो हमारे गुस्से पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। और हम डरते हैं, स्केर्ड होते हैं तो स्केर्ड के लिए हमें डर को दूर भगाने के लिए खुद को करेज करना चाहिए, खुद को साहस बंधाना चाहिए। ओके, अब डी में व्हाट कैन यू डू टू मेक अदर्स हैप्पी और टू मेक अदर्स फील बेटर। हम दूसरों को हम किस तरह से फील बेटर करा सकते हैं, खुश रखने के लिए हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मिट्टू बोल रहा है कि आई सिंग सॉन्ग्स, यानी मैं गाना गा सकता हूँ, है ना। तो वैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं कि आई कैन मेक देम लाफ विथ माई जोक्स, मैं अपने जोक्स सुनाकर लोगों को खुश रख सकता हूँ। या फिर आई कैन हेल्प देम इन देयर डिफ़िकल्टीज, मैं लोगों के प्रॉब्लम्स को डिफ़िकल्टीज को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। जो आपको बताया मैंने, यहाँ पे 4 सेंटेंस, यहाँ पे 4 सेंटेंस, यहाँ पर 3 सेंटेंस और यहाँ पर 2 सेंटेंस बनाना है। अब हमें नीचे में तारा के पिक्चर दिए, तारा का हैप्पी वाला, हैप्पी यानी खुश, ठीक है। तारा का हैप्पी पिक्चर है, सैड यानी दुखी, तारा का सैड वाला पिक्चर है, एंग्री तारा का गुस्से वाला पिक्चर है, और ये स्केयर्ड यानी डरा हुआ पिक्चर हमें दिख रहा है। ये 3 पिक्चर, हैप्पी, सैड, एंग्री, स्केयर्ड। खुश हैप्पी, सैड यानी दुखी, एंग्री यानी गुस्सा, और स्केयर्ड यानी डरा हुआ, ये तारा के पिक्चर से। ओके,